आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल द अकाउंट मास्टर में। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑन द टॉपिक पार्टनरशिप फंडामेंटल्स एंड द सब टॉपिक इज सॉल्व्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में उसको देखेंगे। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, सिंह एंड शर्मा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:4 एंड देयर कैपिटल्स आर ₹5 लाख एंड ₹3 लाख रिस्पेक्टिवली। दे आर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। शर्मा इंटाइटल टू सैलरी एट द रेट ऑफ ₹1,000 पर मंथ। द ड्रॉइंग ऑफ सिंह एंड शर्मा इज ₹10,000 एंड ₹20,000 रिस्पेक्टिवली एंड द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म इज ₹2,50,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है। पहला क्वेश्चन में सिंह और शर्मा दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:4 है और उनका कैपिटल 5 लाख और 3 लाख रुपया है। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना है। शर्मा जी को 1,000 पर मंथ सैलरी देना है और सिंह एंड शर्मा का ड्राइंग जो है वो 10,000 और 20,000 रिस्पेक्टिवली है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 7% पर एनम के हिसाब से और फॉर्म का प्रॉफिट 2,50,000 रुपये। आपको पीएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, मुखर्जी एंड बनर्जी आर पार्टनर्स विद ए कैपिटल ऑफ ₹10 लाख एंड ₹8 लाख रिस्पेक्टिवली एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ₹3:2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एंड बनर्जी इज अलाउड टू एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹15,000। द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म इज अमाउंटेड टू ₹5 लाख। प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट व्हेन पार्टनरशिप डेट इज प्रेजेंट एंड व्हेन पार्टनरशिप डेट एब्सेंट। तो क्वेश्चन सेकेंड है, मुखर्जी और बनर्जी दो पार्टनर है जिनका कैपिटल है 10 लाख रुपया और 8 लाख रुपया। मतलब मुखर्जी का कैपिटल 10 लाख है और बनर्जी का कैपिटल 8 लाख रुपया और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% पर एनम और एनुअल सैलरी जो है वो 15,000 पर ईयर देना है बनर्जी को। प्रॉफिट जो है फॉर्म का वो 5 लाख रुपया। आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और इसमें एजम्पशंस है कि पार्टनरशिप डेट प्रेजेंट है तो क्या करना है, एब्सेंट है तो क्या करना है। तो प्रेजेंट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी देंगे। प्रेजेंट नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग इक्वली डिवाइड करेंगे। क्लियर है। चलिए फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। रीता एंड गीता आर टू पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म विद ए कैपिटल्स ऑफ ₹2,50,000 एंड ₹1,50,000 एंड द ड्रॉइंग्स ऑफ ₹10,000 एंड ₹5,000 रिस्पेक्टिवली। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। दे आर इंटाइटल टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज एट द रेट ऑफ 11% पर एनम। गीता इज एंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ ₹600 पर मंथ। द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म इज ₹2,96,000। प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन में कि गीता, रीता और गीता दो पार्टनर है। रीता का पूंजी 2,50,000 है और गीता का पूंजी ₹1,50,000 है और रीता 10,000 रुपया ड्राइंग करती है और गीता 5,000 ड्राइंग करती है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है और दे आर इंटाइटल टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 11% पर एनम। गीता को हर महीना 600 रुपया सैलरी देना है। फॉर्म का प्रॉफिट है 2,96,000 रुपया। आपको पीएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है।
तो यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन तो सेम होगा, पार्टनर्स कैपिटल जब बनाएंगे तो कंडीशन है कि कैपिटल फिक्स्ड है, तो जब फिक्स्ड होगा तो दो अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और जब फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए फिर सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन नंबर वन, तो यहाँ पे हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन सिंह एंड शर्मा का बनाते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट है उसको हम लोग दिखाते हैं, 2,50,000 रुपये। इसमें नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन घटाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन नहीं है इसीलिए इसको इनर कॉलम में लिखे थे, अभी इसको आउटर कॉलम में लिख दिए। 2,50,000 रुपया प्रॉफिट था। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, तो सिंह का 700 रुपया होता है और शर्मा जी का 1,400 रुपया होता है, 7 और 14 2,100 रुपया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। ठीक है, क्यों इतना है तो आप देखेंगे कैलकुलेशन करके, तो 700 और 1,400 आएगा। उसके बाद हम लोग डेबिट साइड चलते हैं, तो शर्मा जी को सैलरी देना है 1,000 पर मंथ, मतलब 12,000 रुपया देना है, और सिंह जी को कुछ नहीं देना है तो सिर्फ 12,000 होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों के कैपिटल पे हम इंटरेस्ट दे रहे हैं 30,000 और 18,000, तो टोटल 48,000 दे रहे हैं। उसके बाद जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो डिफरेंस अमाउंट निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड टोटल करेंगे, देखेंगे टोटल ज्यादा किधर है। तो इधर में क्रेडिट साइड में 2,52,100 आ रहा है और इधर में कम है, तो दोनों साइड 2,52,100 लिखेंगे और कम वाले को घटाएंगे, घटाने पे आया 1,92,100। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6:4, तो हम लोग 6:4 में इसको डिवाइड कर दिए, तो सिंह जी को मिला 1,15,260 रुपया और शर्मा जी को मिला 77,840 रुपया। क्लियर है? तो ये था पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का जो कैपिटल था उसको बाई बैलेंस बीडी बोल करके दिखाएंगे। ओपनिंग बैलेंस 5 लाख रुपया था और 3 लाख रुपया था, तो 5 लाख और 3 लाख कैपिटल हो गया। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देना था 30,000 और 18,000 उसको हम लोग दिखा दिए। उसके बाद सैलरी जो मिलना था, सैलरी सिंह जी को नहीं मिलना था, सिर्फ शर्मा को मिलना था 1,000 पर मंथ, तो 12,000 रुपया सैलरी दे दिए। उसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन जो अभी हम लोग प्रॉफिट निकाले उसका बंटवारा किए थे 6:4 में, तो वो अमाउंट पीएल अप्रोप्रिएशन से कॉपी पेस्ट कर दिए, 1,15,260 और 76,840 रुपया। क्लियर है? अब डेबिट साइड चलते हैं। डेबिट साइड में ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स का अमाउंट हम लोग लिख दिए, 10,000 रुपया सिंह जी का था और 20,000 रुपया शर्मा जी का था। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हम लोग चार्ज करना था, तो 700 रुपया और 1,400 रुपया जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड टोटल करेंगे, तो जब क्रेडिट साइड टोटल कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अमाउंट आ रहा है, तो वही दोनों साइड हम लोग पुट कर देंगे। और उसके बाद डिफरेंस अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, और जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो बैलेंस सीडी होगा, तो बैलेंस सीडी हम लोग कैलकुलेट किए तो 6,34,560 सिंह जी का आ रहा है और शर्मा जी का आ रहा है 3,85,440। तो ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन नंबर वन का। क्लियर है? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में है, जब पार्टनरशिप डेट प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। पार्टनरशिप डेट प्रेजेंट है तो जैसा क्वेश्चन में बोला गया उसी तरह से हम लोग बनाएंगे। तो प्रॉफिट था 5 लाख रुपया, तो प्रॉफिट 5 लाख रुपया दिखा दिए। यहाँ पे भी पार्टनर्स का लोन नहीं है तो नहीं कटाना है। उसके बाद सैलरी सिर्फ बनर्जी को देना है, तो 15,000 रुपया सालाना देना है, तो 15,000 रुपया सैलरी दिखा दिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुखर्जी और बनर्जी को दे दिए। उसके बाद और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ड्राइंग्स नहीं था तो ड्राइंग्स नहीं दिखाए यहाँ पे। अब जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो दोनों साइड टोटल किए तो 5 लाख ज़्यादा था, दोनों साइड 5-5 लाख रुपया लिख दिए। और डिफरेंस अमाउंट जो आया 2,69,000 उसको पार्टनर मुखर्जी और बनर्जी के बीच में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिए, वो 1,61,400 और 1,07,600। तो ये आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है जब पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है तब। क्लियर है? उसके बाद चलिए इसके साथ ही हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी देख लेते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी
जो ओपनिंग बैलेंस था उनका वो दिखा दिए, 10 लाख और 8 लाख रुपया उनका कैपिटल था। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिए, 1,20,000 और 96,000, 12% हम लोग दे रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद सैलरी मुखर्जी को नहीं मिलना था, सिर्फ बनर्जी को मिलना था 15,000, तो सैलरी भी दिखा दिए। उसके बाद जो प्रॉफिट में हिस्सा मिला, पीएल अप्रोप्रिएशन में जो अमाउंट आया था बैलेंसिंग में, उसको हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए। तो मुखर्जी को मिला 1,61,400 और बनर्जी को मिला 1,07,600। उसके बाद डेबिट साइड में चलते हैं, तो डेबिट साइड में कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे ड्राइंग नहीं है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। दोनों साइड टोटल किए, दोनों साइड टोटल करने पे 12,81,400 आया और 10,18,600 आया, तो दोनों में उसको लिख लिए। और बैलेंसिंग अमाउंट जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई घटाने का आइटम नहीं है। तो बैलेंस सीडी जो है वो 12,81,400 और 10,18,600, यही नेक्स्ट ईयर के लिए बैलेंस बीडी हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तब क्या करेंगे? तो पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगा तो जैसे हम लोग प्रॉफिट जो था वो प्रॉफिट दिखा दिए, प्रॉफिट 5 लाख रुपया था, 5 लाख दिखा दिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है, उसके बाद सैलरी देना नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है, सैलरी देना नहीं है, तो टोटल पैसा जो था वो पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो टोटल देख लिए 5 लाख रुपया इधर और डेबिट साइड में ही 5 लाख, डिफरेंस कुछ घटाना है नहीं, तो 5 लाख ही बैलेंसिंग हो जाएगा और वो पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 3:2 रेशियो था, तो मुखर्जी को 3 लाख मिला और बनर्जी को 2 लाख मिला। ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी देख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या किए कि पार्टनर्स का जो ओपनिंग बैलेंस था उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए 10 लाख और 8 लाख, और इनको सैलरी मिलना नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो वैसे केस में हम क्या करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन का जो शेयर था उसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 3 लाख और 2 लाख रुपीज़। क्लियर है? उसके बाद दोनों साइड टोटल करेंगे तो 13 लाख रुपया हुआ और 10 लाख हुआ, और दोनों साइड बैलेंसिंग कर देंगे तो घटाने का कुछ नहीं है, तो 13 लाख और 10 लाख होगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट जो 13 लाख और 10 लाख है वो इस साल का, अगले साल वो बैलेंस बीडी हो जाएगा। यहाँ पे एक माइनर मिस्टेक जानबूझ करके मैंने किया है, वो आपको मिस्टेक फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है। ओके चलिए फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, रीता और गीता दो पार्टनर है, तो रीता और गीता का हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग के आधार पे है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन जो होगा वो सेम होगा। तो पीएल अप्रोप्रिएशन में हम लोग दिखाते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2,96,000 प्रॉफिट था, इसमें हम लोग पार्टनर्स लोन का इंटरेस्ट घटाते हैं जो कि नहीं है, तो टोटल हो जाएगा 2,96,000 रुपया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग दिखाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है रीता का 1,100 रुपया और गीता का है 550 रुपया, टोटल 1,650 रुपया इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। डेबिट साइड चलते हैं, डेबिट साइड में सैलरी और कमीशन, तो सैलरी सिर्फ गीता को देना है, तो रीता को कुछ नहीं दे रहे हैं, गीता को 600 रुपये पर मंथ देना था तो 7,200 दिए, टोटल 7,200 दिखाएंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रीता का और गीता का दोनों का 22,500 और 13,500 दोनों जोड़ करके 36,000 हो गया। ठीक है, उसके बाद रिजर्व में कुछ ट्रांसफ़र करना नहीं था, तो इसीलिए सिर्फ हम फॉर्मेट को रिपीट कर रहे हैं, जहाँ पे आपको क्रॉस मार्क्स दिख रहा है उसको आप चाहे तो लिख सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ समझने के लिए मैंने यहाँ पे क्रॉस मार्क्स का जो आइटम, जैसे सैलरी कमीशन रीता को नहीं देना है, फिर भी हम वहाँ पे दिखाएंगे रीता काटा हुआ मीन्स क्रॉस मार्क्स है, मतलब रीता को नहीं देना है। आप चाहें तो डायरेक्ट गीता, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि डायरेक्ट गीता लिखा हुआ, तो डायरेक्ट गीता लिखेंगे, रिजर्व नहीं दे रहे हैं तो रिजर्व लिखने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये सिर्फ समझने के लिए आपको गाइडलाइंस के लिए बना रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड टोटल करेंगे, जो ज़्यादा होगा उसको दोनों साइड लिख करके बैलेंस करेंगे। तो
तो 297,650 रुपया, 297,650 रुपया इसमें हम लोग इसको घटाए, तो घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो घटाने के बाद अमाउंट आया 254,450 रुपया, और इसको रीता और गीता के बीच में इक्वली डिवाइड कर दिए तो 127,225 रुपया। ठीक है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन क्लियर है। चलिए फिर अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहला कंडीशन था कि व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, तो जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स होता है तो हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर्स का बैलेंस बीडी था उसको पहले लिखेंगे। तो बैलेंस बीडी जो कैपिटल था उनको 250,000 और 150,000 वो लिख दिए, और उसके बाद एडिशनल अगर कोई कैपिटल ब्रॉड किया गया तो उसको लिखेंगे, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है तो क्रॉस मार्क कर दिए। आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं लिख सकते। उसके बाद अगर परमानेंट विड्रॉल है तो डेबिट साइड में हम लोग दिखाएंगे, परमानेंट विड्रॉल इस क्वेश्चन में नहीं है तो इसको क्रॉस मार्क कर दिए। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं लिख सकते। उसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस किए तो 250,000, 150,000 दोनों साइड में लिखेंगे, 250,000, 150,000, और बैलेंस किए तो बैलेंसिंग भी आ रहा है 250,000 और 150,000। इसको हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस सीडी, और ये ओपन क्लोजिंग बैलेंस होगा और अगले साल के लिए ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड होता है तो देखिए यहाँ पे कि पार्टनर्स का जो कैपिटल साल के शुरू में था वो साल के अंत में भी है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। चलिए फिर इसके साथ हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बनाते हैं। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में बाकी जो इन्फॉर्मेशन था उसको हम लोग लिखेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस है तो लिखेंगे, इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 22,500 है और 13,500 है रीता का और गीता का। उसके बाद है सैलरी किसको देना है, तो सिर्फ गीता को देना है, तो रीता के अकाउंट में कुछ नहीं होगा, गीता के अकाउंट में 7,200 होगा। ड्राइंग्स पीएल अप्रोप्रिएशन का जो हिस्सा था वो बराबर इक्वली डिवाइड किए थे, वो हिस्सा 127,225 रुपया, 127,225 रुपया ये दिखा दिए। उसके बाद डेबिट साइड में चलते हैं, बैलेंस बीडी अगर होता क्रेडिट डेबिट बैलेंस तो उसको हम लोग दिखाते, वैसे इस क्वेश्चन में नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग है तो ड्राइंग दिखाएंगे और ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिखाएंगे। तो ड्राइंग है 10,500 और इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करने से 1,100 आया और 550 रुपया है, मतलब 11% हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं। अब हम लोग दोनों साइड टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हो सकता है, अगर पीएल अप्रोप्रिएशन में लॉस होगा तो डेबिट साइड दिखाएंगे, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड दिखाएंगे। तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट था तो प्रॉफिट हम लोग दिखाए, लॉस नहीं है तो क्रॉस मार्क कर दिए। ठीक है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। उसके बाद टोटल बैलेंसिंग किए, तो बैलेंसिंग रीता का आया 1,49,725 और गीता का आया 147,925। दोनों साइड इसको लिखे और उसके बाद बैलेंस किए, बैलेंस करने के बाद जो अमाउंट आया वो था 1,38,625 और 1,42,375। ये बैलेंस सीडी है और ये अगले साल के लिए बैलेंस बीडी हो जाएगा। तो आपको क्लियर है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब फिक्स्ड होता है तो हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्लियर है। चलिए फिर दूसरा कंडीशन है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो इसमें हम लोग सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग जो पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस था, मतलब साल के शुरू में जो कैपिटल था उसको दिखाएंगे, 250,000, 150,000। उसके बाद जो विड्रॉल एडिशनल कैपिटल लाया है उसको दिखाएंगे, तो क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लाया है तो इसको क्रॉस कर दिए। उसके बाद इंटरेस्ट, और अगर परमानेंट विड्रॉल किया है तो उसको हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं, तो डेबिट साइड में दिखा दिए, कोई विड्रॉल नहीं है परमानेंट तो दिखा दिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 22,500 और 13,500 था।
उसके बाद सैलरी कमीशन रीता को नहीं, गीता को मिलना था, तो रीता में क्रॉस कर दिया और गीता में 7,200 दिखा दिए। उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस पीएल अप्रोप्रिएशन का जो हिस्सा था, प्रॉफिट का हिस्सा था, उसको हम लोग दिखा दिए जो इक्वली डिवाइड किए थे 1,27,225। इसके बाद डेबिट साइड में हम लोग चलेंगे ड्राइंग, ड्राइंग को दिखाएंगे 10,000 और 5,000 रुपया। इस पर 11% हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे, तो इंटरेस्ट को भी दिखाएंगे 1,100 रुपया और 550 रुपया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करेंगे तो उससे साथ में एक और है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर लॉस होता तो इस साइड लिखते, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी समझने के लिए यहाँ पे क्रॉस मार्क करके समझा दिया गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, तो रीता का 3,99,725 आ रहा है और गीता का 2,97,925 रुपया आ रहा है। दोनों साइड वही अमाउंट लिखेंगे और उसके बाद जब डेबिट साइड में घटाएंगे तो बैलेंसिंग अमाउंट जो आएगा वो 3,88,625 रुपया और 2,92,375 रुपया। ये जो बैलेंस शीट है अगले साल के लिए बैलेंस बीडी हो जाएगा। क्लियर है? अगर इसमें से हम लोग जो कैपिटल था 2,50,000 रुपया और 1,50,000 रुपया, रीता और गीता का बैलेंसिंग बैलेंस सीडी जो बैलेंसिंग फिगर आया है 3,88,625, इसमें अगर 2,50,000 घटा देंगे तो ये बैलेंस सीडी जब पार्टनर्स करेंट अकाउंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह गीता में अगर हम 2,92,375 में 1,50,000 घटा देंगे, जो अमाउंट आएगा वो पार्टनर्स करेंट अकाउंट गीता में आ जाएगा जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स था, तो दोनों बराबर होगा। क्लियर है? तो दोनों तीनों क्वेश्चन क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप दिस लेक्चर इज यूजफुल एंड हेल्पफुल टू द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स। थैंकिंग यू, बी हैप्पी एंड मेक समवन हैप्पी। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।